बीते दिन तरनतारण अंदर आउंदे थाना सराय अमानत खान के नज़दीक पैंदे पिंड कंडीविंड विखे एक 8 साल की लड़की का कतल होने का मामला सामने आया सी, जिस नाल पूरे पिंड विच सनसनी का माहौल बन गया अते हुण पुलिस थाने दे बाहर परिवारक मैंबरां अते किसान जथेबंदियां वलों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अते दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा देने की मांग की जा रही है। परिवार ने गलबात करदिआं दस्सिआ कि पुलिस वलों दोषियों नूं बचाया जा रहा है। उन्हां कहा कि उन्हां दी मासूम बच्ची नाल पहला बलात्कार किया गया अते फिर उस दा कतल किया गया, पर पुलिस वलों सिर्फ कतल का ही मामला दर्ज किया गया है। ये अपनी बेटी है, 7 साल की बेटी नवजीत कौर, असी ये विरोध से धरना लाया भी यदि बच्ची की ना बाहर खेड रही थी, ये तो बच्ची लभी नहीं, अं लभन की कोशिश की 7 साल पहले दिन की गल है, तो जो बच्ची लभी तो भी मरी हुई थी, तो वह तो 5 विरोधी फड़ाए जिन्हें परचा भी दर्ज किया हो, तो विरोधी 3 छे गए आ, असी विरोध से धरना लगाया। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर की किया जाएगा? ये धरना जारी रहेगा जी। मैं ये कहना चाहनी कि मेरे बच्चे इंसाफ दिता जाए, मेरे बच्चे बहुत ही माड़ी हालत में मेरे बच्चे मारिया गया वा, तो मैं इस करके कहनी हाँ कि मेरे बच्चे बस इंसाफ दवाया जाए। पुलिस को मांग है जी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, उन्होंने कोई जी कार्रवाई नहीं हो रही है, कितने दिन हो गए? सर मैं तो यही कहती हाँ कि पुलिस भी जो कि ये सारे रले हुए ने, यह कोई गल नहीं कर रहे, तो मैं यो चाहन दी हाँ कि इन्हों सख्त तो सख्त सजा दी जाए, फांसी तक दी जाए, मेरे बच्चे इंसाफ चाहिए, मैं होर कोई मांग नहीं करती। हाँ जी, 2-3 तो छड़ दिते गए ने, तो 2 जो कि हाले भी उन्होंने कोल आ, पर मैं चाहनी हाँ भी जोड़े छड़ दिते गए ने एक बार फिर कोई इंक्वायरी सर हो ही नहीं आ, मतलब इन्होंने कोई के दे दबा च आ के को लोगों फोन करा, तो सियासत जड़िया बनिया ने उन्होंने फोन करा के इन्हों छुड़ा दिता गया वा, तो पर मैं चाहनी कि मेरा बच मैं इंसाफ मिलना चाहिए बस। अगर आने वाले समय के इंसाफ नहीं मिलता तो की तुहाडे वालों किया जाएगा जी? सर फिर तो देखो जो नहीं इंसाफ मिले फिर तो तुहानू पता ही है फिर की हुंदा वा। मेरा नाम दलबीर कौर है। मैं कहना चाहनी जे इस बच्ची इंसाफ नहीं मिलता, जे दरिंदे नहीं फड़े जाते, 176-376 का परचा होना चाहिए, 101 लाया, 145 लाई हुई है, दूजी 200-302 लाई हुई है, धरावान 300, हाँ बहुत ही ज्यादा, सानू तो वेख के शर्म आती है इस गल्लां नू भी इन्होंने इत्थे बह के की कीता वा, की कीता साडे प्रशासन ने, अभी तो मैं जो धरावान वेखियां मैनू तो वेखदा सारी भी ये तो लड़ाई होवे ना, उस तरह किसी लड़ाई हो, उस तरह भी ये लगदिया धरावान, तो इन्होंने ये धरावान क्यों लाई हुई, मैं तो थानेदार ने भी सवाल किया तू धरावान कि लाइया हुई, 302 का परचा हों के जो लड़ाई हुई है, बच्ची मारी गई इन्नी बुरी हालत के नाल, वो 2 रस्सियां गल में पाई हुई, हाथ वो पिछे बद्धे हुए आ, बलात्कार बेटी के नाल होया वा, एक कहता बलात्कार नहीं होया, की करनू चुकी गई सी बेटी, बलात्कार बेटी के नाल होया वा, इन्होंने भी रिपोर्ट बदलाती भी बलात्कार नहीं होया, उदन मैंने कहना थानेदार बलात्कार नहीं होया, जे बलात्कार नहीं होया चुकी की करनू, 7 साल की बेटी चुक के ना बलात्कार करवा के 5 दोषी फड़ाए आ, तो 3 दोषी विचों छड़ दिते गए, अं यो मंग करते हैं कि जेडे दोषी आ फड़े जाण, उन्हां नूं सज़ा मिले, असी जे ने इन्हां ने सज़ा ना दिती तो फिर असी पंजाब भर के सारी संघर्ष करावांगे, क्योंकि मेरा सारे देश के नाल ही संपर्क आ, मैं एकता नारी की प्रधान हाँ, साडी दिल्ली दे विच कमेटी चलती आ, असी सारे एक थां दे उत्ते यही अपील करांगे, हर एक थां दे उत्ते यही संघर्ष करांगे, हर एक थां दे यही धरना लावांगे, जे इन्हां ने ना ये काम किया साड़ी सुनवाई ना अज की तो फिर असं पंजाब भर के धरने लवेंगे, इदों भी तिखा धरना करा, अं यही गल करा, क्योंकि सानू इंसाफ नहीं मिल रहा, पर अगे तो अं दूर नेड़े गल्लां सुनते हैं, तो हुण साडे कोल गल्लां हो गईआं कि आने ने एवें करदे आ, पर नहीं हुण अं वेख चुके हाँ भी साडे नाल कोई न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा थानेदार ही बह के कह रहा वा कि वह दोषी नहीं है, मेरी तो किसी MLA नाल नहीं गल हुई, क्योंकि MLA उदन तो कहिंदा हुंदा सी मैं तुहाडी रक्षा करूँगा आण के, तो MLA भी कोई नहीं लब्भा, मैं तो आप कहनी MLA आवे तो सही पुछगी उहनू आ की बन डिया तेरे थाणियां दा हाल, तू तो कहिंदा अकाली माड़े आ, तो तू कांग्रेसी आ बहुता गर्क गया है ये नालों, तो अकालिया के राज साडे इलाके च आ कुछ नहीं होया, कल कांग्रेसियां दे इलाके च बहुत कुछ गंद पै गया, पर नन्नी छां दा हाल ना हुंदा, तेरी नन्नी छां वेख की बनी हुई, कहदे वास्ते तू नन्नी छां बनाई हुई आ, मैं तो कहनी तू महकमा ही ना बना नन्नी छां दा,
ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 376 ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 167-29-7-8 ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਰੀ ਸਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 363-8 ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 376 ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 376 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟਰੂ ਸਕੂਪ।